हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल कटारिया फार्मेसी सो फ्रेंड्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम यहाँ देखेंगे इसके कुछ एम सी क्यूज पार्ट पार्ट फर्स्ट हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं ये इसका पार्ट सेकंड है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेंजो डाइजिपिन्स ऑप्शन है ऑल बेंजो डाइजिपि फेसिलिटेड काबा मेडिकेशन सीवन इन्फ्लेक्स इन टू न्यूरोन्स ऑप्शन बी है डिफरेंट बेंजोडाइजिपिंस एक्ज द सेम डिग्री ऑफ हिप्नोटिक एनजा एंड एंटी एक्शंस ऑप्शन सी है द बेंजोडाइजिपिंस रिसेप्टर इज होमोजीनियस एट ऑल साइट न्यूरोनल साइट्स एंड ऑप्शन डी है द मसल रिलैक्सेंट एक्शंस ऑफ बेंजोडाइजिपिंस इज नॉट ब्लॉक्ड बाई फ्लूमेनेजील सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑल बेंजो डाइजिपिन फेसिलिटेट गाबा मेडिकेशन सीवन इन्फ्लैक्स इंटू न्यूरोस नेक्स्ट क्वेश्चन है हिफनोटिक टोज ऑफ डाइजा पाम प्रोड्यूस द फॉलोविंग एक्शन ट्रेचिकार्डिया कॉन्स्टिपेशन हाइपरग्लेसिया डिक्रीज न्यूको नोकट्यूरोनल गैस्ट्रिक सिक्रेशन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिक्रीज नोकट्यूरोनल गैस्ट्रिक सिक्रेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मेकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेंजोडाइजिपिन इज डोपिन एंटागोनिज्म एडेनोसिन एंटागोनिजम ओपनिंग ऑफ न्यूरोनल क्लोराइड चैनल्स एंड ऑप्शन डी है फेसीलिटेशन ऑफ गाबा मेडिकेटेड क्लोराइड इनफ्लैक्स सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फैसिलिटेशन ऑफ गाबा मेडिकेशन क्लोराइड इन्फ्लैक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग देट एंटागोनाइज डाइजापाम एक्शन नॉन कॉम्पिटेटिवली ऑप्शन से एडोनोसिन फ्लूमेजिन विक्यूकुलल एंड ऑप्शन डी है वेलप्रोइक एसिड सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विक्यूकुलिन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग्स एग्जर्ट देर एक्शन थ्रो द गाबा ए बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर क्लोरीन चैनल कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट बेक्लोफेन जोलापीडेम बाक्यूकुलिन एंड फिनो सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेक्लोफेन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ सिंगल हिप्नोटिक डोज द फार्माकोकाइाइनेटिक ऑफ इज़ करेक्टराइज बाय। ऑप्शन है स्लो इन एलिमिनेशन ऑफ लिटिल री एंड ऑप्शन बी है स्लो एलिमिनेशन विद मार्कड री एंड ऑप्शन सी है रेपिड एलिमिनेशन एंड मार्कड री ऑप्शन डी है अल्ट्रा एलिमिनेशन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या है स्लो एलिमिनेशन विद मार्क्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट एक्टिंग बेंजो डाइजिपिन हुए एज नोटेड टू काउज फिजिक्रिक डिस्ट्रीबेंस इन सम केसेज ऑप्शन है फ्लोराजियम नाइट्रोजीपाम डेमाजीपाम एंड ट्राइजोलम सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ट्राइजोलेम नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ जोपी क्लॉन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इट डज़ नॉट एक्ट बाय पोटेंशिएटिंग गाबा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ड्रग दैट हैज बीन फाउंड टू बी मोर सेलेक्टिव फॉर द सब टाइप ऑफ बेंजोडाइजिपिन चैप्टर एंड प्रोड्यूस हिप्नोटिक एक्शन बट लिटिल एंटी एंजाइटी मसल रिलेक्सटेंट और एंटी कॉन्वेंट एक्शंस ऑप्शन से जोपिकलॉन जोलपिडेम फ्लूमेजीन एंड मेल्टोन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जोलपिडेम नेक्स्ट क्वेश्चन है जोलपिडेम डिफर्स फ्रॉम बेंजो डाइजाम इन दैट इट इज सेफर इन ओवर डोज दैन डाइजापाम इट्स हिपनोटिक एक्शन शोज़ लिटिल फेडिंग ऑन रिपीटेड नाइटली यूज ऑप्शन सी ए इट काउज मोर मार्क सप्रेशन ऑफ रैम स्लिप एंड ऑप्शन डी इट हैज़ मोर पॉटेंट मसल रिलेक्सटेंट सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इट्स हिपनोटिक एक्शन शोज़ लिटिल फेडिंग ऑन रिपीटेड नाइटली यूज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजापाम इज इंडिकेटेड इन द फॉलोविंग कंडीशन एक्सेप्ट जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एपीलेप्सी एंड ऑप्शन बी है टिटनेस ऑप्शन सी है फेबराइल कॉन्वलिजन एंड ऑप्शन डी है कार्डियक कैथरेटाइजेशन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ये इसमें जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज टू रिवर्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन प्रोड्यूस्ड बाई डाइजापाम ऑप्शन है डेक्सा मेथा डेक्सा मेथेप्टेमाइन डोक्साप्राम फिजियो स्टिगमाइन एंड फ्लूमेनेजेनिल फ्लूमा जेनिल सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लूमा जेनिल नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फ्लूमा सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी it has no cns effect of its own but blocks the depressant effect of diazepam as well as stimulant effect of beta carbolines next question is the, gen the general principles in the use of hypnotic include the following except options hai. a hypnotic may be used intermediate inter mediate, intermittently for up to 2 to 3 weeks in short term insomnia due to एमोशनल स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस एंड ऑप्शन बी है इन पेशेंट विद क्रॉनिक इंसोमनिया ए हिपनोटिक शुड बी यूज रेगुलरली ऑप्शन सी है ऑल हिपनोटिक्स एग्रीवेट स्लिप एपोनिया एंड ऑप्शन डी है ए हिपनोटिक विद स्लो एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड इन पेशेंट विद अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन बी क्या है इसमें in patient with chronic insomnia, a hypnotic should be used regularly. next question is which of the following is not a cns depressant but increase the tendency to fall asleep as at night? options are pyridoxine, diphenyltrimine, melatonin and ethanol. so is correct answer is option c. melatonin, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बारबिचूरेट हैविंग हायर एंटी कॉन्वलजेंट एक्टिविटी रेशियो इज पेंटो बारबिटोन फिनोबारबिटोन ब्यूटाबारबिटोन एंड ऑप्शन डी है थायोपेंटोन सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फेनोबारबिटोन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोएबेबल मैकेनिज्म ऑफ एंटी कन्वलजेंट एक्शन ऑफ फेनिटोइन इज फैसिलिटेशन ऑफ गाबिक इनहिबिटरी ट्रांसमिशन ऑप्शन बी है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑप्शन सी है इंटरेक्शन विद कैल्शियम चैनल्स टू प्रोमोट कैल्शियम इन्फ्लैक्स ऑप्शन डी है प्रोलॉन्गेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल्स इन एक्टिवेशन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोलॉन्गेशन ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव न्यूरोनल सोडियम चैनल इन एक्टिवेशन दैट इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू इम्पेयर लर्निंग एंड मेमोरी एंड प्रोड्यूस बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज इन चिल्ड्रन ऑप्शन है वेलप्रोइक एसिड फेनोबारबिटोन फेनिटॉइन एंड ऑप्शन डी है एथियो एथोसक्सीमाइट सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फेनोबारबिटोन नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनिटोइन अपीयर्स टू डिराइव इट्स एंटी कॉनजेंट एक्शन फ्रॉम ऑप्शन है सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरोनल डिस्चार्ज सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सेलेक्टिव इनिबिशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरोनल डिस्चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ फेनिटोइन फार्माको काइनेटिक इज ऑप्शन है हाई फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म नॉन सेचुरेशन काइनेटिक ऑफ मेटाबोलिज्म कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबोलिज्म सैचुरेटिंग एट हायर थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन रेंज एंड ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा हीपेटिक मेटाबोलिज्म सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबोलिज्म सेचुरेटिंग एट हायर थेराप्यूटिक कंसनट्रेशन रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ फेनिटोइन इज रिलेटेड टू हाई प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन ऑप्शन है एटेक्सियाज्म गम हाइपरप्लेसिया एंड ऑल ऑफ द अबाउ सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या इसमें एटेक्सिया नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग ड्रग डिस्प्लेसेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फेनिटोइन एज वेल एज डिक्रीज इट्स मेटाबोलिज्म ऑप्शन है कार्बेमिजिपिन सोडियम वेलप्रोएट सीमेटेड एंड क्लोरम फेनिकोल सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोडियम वेलप्रोएट नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बेमेजपिन प्रोजेस द फॉलोइंग प्रोप्राइटी नॉट शेयर्ड बाई फेनिटोइन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइजिंग थ्रेस होल्ड फॉर पेंटिल एंटेप्रेजोल कॉन्जेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटी एपीलेप्ट ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन मैनी डिप्रेसिव इलनेस एज वेल ऑप्शन है एथोसक्सीम प्रीमिडॉन फिनोबारबिटोन एंड कार्बेमिजिपिन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बेमिजिपिन ने नैक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटी एपलेप्टिक ड्रग इज लाइकली टू कॉज हाइपर हाइपो हाइपोनेट्रीमिया एज ए साइड इफेक्ट एस्पेश इन एल्डरली पेशेंट ऑप्शन है प्रीमिडॉन कार्बेमिजिपिन फेनिटोन एंड ऑप्शन डी है सोडियम वेल प्रोइ सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बेमेजिपिन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइगमिनल ट्रिगमिनल न्यूरोलजिया इज एस्प्रीन एम्पेमाइन कार्बेमेजिपिन एंड वेलप्रोइक एसिड सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बोमेजिपिन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू ऑफ कार्बेमेजिपिन ऑप्शन है इट जनरेट्स एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑप्शन बी है इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ डिक्रीज टू नियरली हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू आफ्टर क्रोनिक यूज एंड ऑप्शन सी है इट इज़ बींग यूज इन मेनिया एंड ऑप्शन डी है इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजियर्स सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग एंटी अपलेप्टिक ड्रग रें पेंटिलिन टेट्राजोल सीजियर्स थ्रेस होल्ड बट डज नॉट मॉडी मोडिफाई मैक्मलो इलेक्ट्रोशोक्स सीजियर्स ऑप्शन है इथोसक्सीमाइड कार्बेमिजिपिन प्रमिडोन एंड फेनोबार्बिटोन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एथोसक्सीम नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग विप्रेस मैक्सीमल इलेक्ट्रोशॉक्स एज वेल एजलाइज किंडल्ड सीजियर्स राइजिस पेंटी पेंटिल एंट्रेजोल थ्रेसोल्ड एंड इज इफेक्टिव इन बोथ जनरलाइज्ड टॉक टॉनिक क्लोनिक एज वेल एज एबसेंस सीजियस इज ऑप्शन है फेनीटोइन कार्बोविजिपिन सोडियम वेलप्रोइट एंड एथोसक्सीमाइड सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम वेल्प्रोइट नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट ड्रग हैविंग ए नैरो स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक एक्टिविटी रजिस्ट्रैक्ट टू एबसेंस सीजियस सो ऑप्शन बी एथोसक्सीमाइड इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेलपोरेट हैज बीन शोवन टू सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन डी में क्या है ऑप्शन ए बी सी तीनों इसमें राइट है प्रोलॉन्ग्ड न्यूरोनल सोडियम चैनल्स इन एक्टिवेशन अटेन्यूएट टी टाइप कैल्शियम करंट इन न्यूरोस एंड ऑप्शन सी है इनिबिट डिग्रेडेशन ऑफ गाबा बाई गाबा ट्रांसमीनेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेलपोरेट सोडियम शुड बी यूज विद क्वेश्चन इन यंग चिल्ड्रन बिकॉज दे आर

डेस्पाइट हैविंग एंटी कॉन्वलजेंट एक्शन डाइजापाम इज़ नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपलेपसी बिकॉज इट इज़ नॉट इफेक्टिव औरली इट काउज सेडेशन इट्स एंटी कॉन्वलजेंट एक्शन वैन्स ऑफ विद क्रॉनिक यूज़ एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी आर कर्रैक्ट सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बी एंड सी आर कर्रैक्ट बी क्या है इट इज़ काउज सेडेशन एंड ऑप्शन सी क्या है इट्स एंटी कॉन्वलजेंट एक्शन वैन्स ऑफ विद क्रॉनिक यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोबेजाम इज ए बेंजोडाइजेपिन यूज्ड यूज एज ऑप्शन हिप्नोटिक मसल रिलेक्सटेंट एंड एंजियोलाइटिक एंड ऑप्शन डी है एंटी सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंटी एपिलेप्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लेमोट्रिगिन सो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन सी क्या है इसमें इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दैट इन एडिशन इज ए प्रिफर्ड ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलेजिक न्यूरेजिया एंड पेन ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी ऑप्शन है कार्बेमेजिपिन गाबापेंटिन लेमोट्रिगिन एंड प्रीमिडॉन सो राइट आंसर है ऑप्शन बी गाबा पेंटिन नेक्स्ट क्वेश्चन है गाबा पेंटिन एक्ट्स एज ए गाबा एगोनिस्ट एज प्रीकर्सर ऑफ गाबा बाय एनहांसिंग गाबा रिलीज एंड ऑप्शन डी ए बाई गाबा इंडिपेंडेंट मेकेनिज्म सो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाई एनहांसिंग गाबा रिलीज नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटी कानूल्ज ड्रग डेट एक्ट ए गाबा ट्रांसमिनेस इनिबिटर ऑप्शन से गाबा पेंटिन

Generalized tonic clonic seizures. So option D. It is not effective in generalized tonic clonic seizures is the right answer. Next question. A. The following is true in the treatment of epilepsy, except so is the right answer hai. option A. The choice of drug depends on the cause of epilepsy and not on the seizure type. Next question. A. ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटी एपिलेप्ट ड्रग इज़ यूजड ऑप्शन ए है रूटीनली इन ऑल टाइप ऑफ एपिलेप्सी ऑप्शन बी इज इन ऑल केस ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर इन ऑल केस ऑफ सेकेंडरीली जनरलाइज्ड सीजर एंड ऑप्शन डी है ओनली वैन मोनोथेरेपी विद फर्स्ट और सेकेंड चॉइस ड्रग फेल्स सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी Only when monotherapy with first or second choice drug fails. Okay, next question है सेलेक्ट द फैक्टर विच इंडिकेट्स दैट विद्रॉल ऑफ द सक्सेसफुली यूजड एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन इज लाइकली टू रिजल्ट इन रिकरेंस ऑफ सीजियर्स ऑप्शन है चाइल्डहुड एपिलेप्सी ऑप्शन बीच पार्शियल सीजियर्स ऑप्शन सी है ट्रीटमेंट स्टार्टेड सून आफ्टर सीजियर्स ऑन सेट ऑप्शन डी है एबसेंस ऑफ ई ई जी एब नॉर्मेलिटी सो ऑप्शन बी इज द रट आंसर ऑप्शन बी क्या है इसमें पारशियल सीजियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है an epileptic woman controlled by phenytoin therapy con conceives which of the following measures is most appropriate so option c is the right answer option c is gradually reduce phenytoin dose to the lowest effective level okay next question is risk of neuro, uh, risk of neural tube defect in the ops, ops ऑफ स्प्रिंग कैन बी मिनिमाइज इन प्रेगनेंट वुमेन रिसिविंग एंटीअपलेप्ट ड्रग्स बाई बाई सप्लीमेंटल थेरेपी विद ऑप्शन है फोलिक एसिड विटामिन ए विटामिन ई एंड पायरेडोक्सिन सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए इसमें फोलिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग इज द मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर ए सिक्स ईयर ओल्ड गर्ल स्परिंग फ्राम एबसेंट सीजर्स विद ओकेशनल जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर्स ऑप्शन है एथियोसक्सीमाइट सोडियम वेलप्रोएट ऑप्शन सी है कार्बन एंड ऑप्शन डी इज फेनेटोइन सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑप्शन बी है सोडियम वेलप्रोएट नेक्स्ट क्वेश्चन है ए थ्री ईयर ओल्ड बॉय गेट सीजर्स वेन एवर ही डेवलप्स फीवर विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी सो दैट ही डज नॉट डेवलप फिब्राइट कॉनवन सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑप्शन डी है इंटरमीट इंटरमीटेंट डाइजाम प्रोफाइल एक्सिस स्टार्टेड एट द ऑनसेट ऑफ फीवर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिफर ड्रग फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस इज ऑप्शन है इंट्रावेनस डाइजाम इंट्रावेनस फेनिटोइन सोडियम इंट्रामस्कुलर फेनिटोबारबिटोन एंड ऑप्शन डी है रेक्टल डाइजाम सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑप्शन ए इज में इंट्रावेनस डाइजाम